सबसे पहले तो मैंने इन कबूतरों को छोड़ा है, वो तो यहाँ पर आ गई हैं दाना खाने के बाद। और ये दाना है ये ऊपर रखते हैं दीवार पर, जैसे ही रखेंगे ना तो बहुत सारे लट्ठे आ जाएंगे खाने के लिए। तो ये देखें, ये फूल, दो फूल बस लगे हुए थे और भी लगने लगे हैं। तो मैंने बस एक गमले में मैंने धनिया लगाई तो थी, तो मैं कहती थी थोड़े से धनिया ज़्यादा हो, तो फिर मैंने ये जगह बनाई है। तो इसके मैं मिट्टी डालकर मैंने धनिया डाल दी है। तो इस तरह से कुछ धनिया ज़्यादा बनेगी, ये कुछ बड़ी है ना। इसको भी मैंने काट दिया था, तो नीचे जो इसकी टेढ़ियाँ थी मैंने काट दी हैं वो। ये देखें, जैसे ही मैंने दाना रखा है ना तो ये आ गए हैं, तो खाने लगे हैं ये दाना। चिड़े को भी नहीं खाने देते, वो देख रही है ये खाए जा रहे हैं, वो बेचारी भूखी है। क्या हो रहा है? ये जो है ना बहुत ज़्यादा सूख गए हैं, उनको भी तोड़ रही हूँ। तो ये जो सावे हैं सूखे नहीं हैं, इनको भी तोड़ रही हूँ मैं। हाँ, सब काट दूँगी इस तरह से। इनकी भी साफ सफाई हो रही हाँ, है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बीज जो है ना सूख चुका है। सही। मैंने कहा कि साफ कर देते हैं। काफी अरसे से लगा हुआ है ना बीज, हाँ। इसलिए ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले तो मैं काटती रहती थी, तो अब बहुत सारे महीने हो गए हैं काटा भी नहीं है। हाँ, किसी चीज की सफाई ना करो तो अच्छे से चीज नहीं होती। हाँ, ये तो लाजमी है, कोई भी काम हो देखभाल तो करनी पड़ती है। हाँ, फिर ये सूख भी गया है। और ये हरी मिर्ची है, ज़्यादा इस पर लगते हैं, लाल मिर्ची रह गई हैं। हाँ, उस दिन मैंने तोड़ी थी, साग में डाली थी ना, तो कुछ बच्ची भी पड़ी हैं, तुमने ले सब है। सारी तोड़ ली हैं। हाँ, लाल भी तोड़ ली हैं। जब मैंने मसाला बनाया था ना, साग का पूरे लाल मिर्चे का बनाया था, काट करना बस सूखी तो नहीं थी, बस लाल थी। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। मेरी यही दुआ है कि मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रखे, अल्लाह पाक उनको आबाद रखे, अल्लाह पाक उनको हर गम से बचाए, देश में रहे या प्रदेश में रहे, तो अल्लाह पाक आपको हर जगह पर अपने हिफ्ज ईमान में रखे, अल्लाह पाक आपको हर गम से बचाए, परेशानियों से बचाए, आपके बच्चों को सलामत रखे, वालदैन का साया जो है सर पर कायम रखे। अल्लाह पाक जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको आला मकाम जन्नत फिरदौस में दे। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, इस दुनिया की मुश्किल भी आसान फरमाए, अल्लाह पाक हर गम से बचाए, हर परेशानी से, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाई कैसे हैं? ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हर गम से बचाए, हर परेशानी से बचाए। तो मेरी भी सपोर्ट करनी है, मेरा भी साथ देना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। एक तो मैं वीडियो बहुत कम बनाती हूँ, कहती हूँ आज मैं वीडियो बना रही हूँ, कहती हूँ मैं डेली की वीडियो बनाऊँगी, फिर मैं जब मैं काम करती हूँ कोई रूटीन अपनी
वो कैसे मैं सोचती हूँ कि मैं इसको अब वीडियो बनाऊंगी तो फिर मैं कहती हूँ बस रहने दो, बस ऐसे काम कर लेती हूँ। ऐसे ही हो जाता है, एक जज्बा होता है, एक लगन होती है, वो अभी नहीं आ रही। तो बस मैं वीडियो देख रही थी, आजकल जो टिकटॉक की वीडियो मैं देखती हूँ तो उनको देखकर कुछ जज्बा बना है ये बात करने की के लिए। बहुत बहुत दिल को परेशानी हो रही थी, गुस्सा आ रहा था कि गैर मर्दों का अपने चेहरे पर नाम लिखती हैं, ये नहीं सोचती गैर मर्द का नाम अपने चेहरे पर लिख रहे हैं, आगे हमारे अल्लाह के हजूर पेश होंगे तो क्या हमारा अंजाम होगा। फिर झूठ बहुत बोला जाता है, इस तरह से फहाशी बहुत आम हो गई है। पहले जो है ना, कुछ लोग गुनाह करते थे, कुछ लोग अच्छे होते थे जिनके खातिर ये दुनिया बस रही थी। अब बहुत कम लोग अच्छे रह गए हैं, सब ही जिसको ही देखो वो बस अपनी पैसे कमाने के लिए, और हर वो जो होती है मंजिल से गुज़रने के लिए तैयार हैं। जो भी इंसान को अल्लाह पाक ने इजाज़त जिस चीज़ की नहीं दी उसके लिए भी करने को वो तैयार हो गए हैं। सबसे पहले तो यूट्यूब पर जो भी वीडियो डाली जाती है, इंसान उसमें अपने कपड़े पहनकर मेकअप कर कर वो दिखाते हैं, जो भी वीडियो में अपनी आता है वो भी बहुत ज़्यादा गुनाह है। तो फिर अब जो लाइफ बैठकर आमने सामने बैठकर अजीब सी बातें करते हैं, अपने चेहरे पर नाम लिखते हैं, न जाने कौन सी क्या कुछ करते हैं, तो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। बहुत ही बहुत मुश्किल वक्त अल्लाह पाक से इस तरफ से शुरू हो गया है। जैसे हमारे प्यारे नबी ने फरमाया था कि आखिरत में लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, ईमान नहीं होगा। पहले तो इसी चीज़ से बसर होता था, तो अब न जाने लोगों को क्या हो गया है। जब मेरा बाप था, मेरे बाप को 35 साल हो गए हैं इस दुनिया से गए, किया था जब मेरा बाप, तो उस वक़्त मेरे जहाँ हमारे पुल पर जहाँ हमारे जो हिसाब है, जहाँ एक नाला हुआ करता था, उसको हम नाला अब तो नहीं है, वहाँ से रोड बन गया है, एयरपोर्ट रोड बन गया है। तो जहाँ नाला हुआ करता था, नदी हुआ करती थी, तो वहाँ हमारी पुल हुआ करती थी, जो रोड मेन रोड है, तो वहाँ बैठकर जो भी कोई चीज़ होती थी वो लगाते थे, बेचते थे। तो मेरे बाप का एक छाबा होता है जो तासला होता है, चने बेचता था, तो वो भी नहीं बिक पाते थे। वो एक हमारे मोहल्ले में पहले जाता था, फिर दूसरे मोहल्ले में जाता था, तीसरे मोहल्ले में, सर्दियों को फिर भी वो बच जाते थे। हमारे सर्दियों को रोटी भी नहीं बन पाती थी कि वो एक चने का यानी कि एक देगड़ा जो बनाया जाता है वो भी नहीं बिक पाता था। अब हमारे यहाँ हमारे पुल पर बहुत सारे लोगों ने लगाई हुई हैं रेहड़ियाँ, ऐसे चनों की हर चीज़ की जल्दी से बिक जाती हैं। तो वो वक्त भी तो था, एक टाइम हमारा बाप जब चने नहीं बिकते थे, एक टाइम का हमारा खाना बनता था, एक टाइम का नहीं बनता था। तो उस वक्त तो बहुत ही बुरा वक्त था, वो भी तो सब लोग काटते थे। इसी तरह से अब भी जहाँ जहाँ वक्त है जो भी है काटते हैं, मेरा मतलब है वक्त गुजारते हैं, हम उसको बोलते हैं काटते हैं वक्त, यानी कि कट गया है वक्त। तो हम अपनी बोली में कहते हैं सराकी में कि ये वक्त गुजर गया। और मैं वो बात याद आ गई, वेला मुंडा की वीडियो अक्सर देखा करती हूँ। तो वैसे तो जब से मसला हुआ है उम्र का और वेला मुंडा का, तो तब से मित्र शौक से वैसे नहीं देखती, ना जाने सच क्या है झूठ क्या है। बस मैंने जो वीडियो देखती थी शौक से, बस वही 5-6 महीनों से देखती थी मैं, इतने वीडियो नहीं देखती। तो वेला मुंडा की मैं शौक से देखा करती थी, तो जब की बात वो सामने आई है जब से, कि वो ना जाने बाकी सच झूठ तो अल्लाह को पता, बस जब सामने बात आई है इस तरह से उसने अपने दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। दोस्ती में भी पैसे, लोग सब्सक्राइब करते हैं, हम लोग कहते हैं हमें सब्सक्राइब करो, हमें हमारा सपोर्ट करो, हमारी साथ दो। जब ये सब मेरे बहन भाई प्यारे सब जो साथ देते हैं तो तब हम इनकी कीमत लगाते हैं।
हम किसी को अगर सपोर्ट करते हैं उसके पैसे लेते हैं, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। सबसे पहले कोई मेहनत, एक तो कोई नहीं करता, हर कोई मेहनत करता है, कोई जंग आसान बात नहीं है मेहनत करना, फिर भी किसी का दोस्ती में तो लिहाज रखा जाता है। सब कहते हैं पैसे सभी लेते हैं, तो लेते होंगे, खैर वो बात तो अलग थी। पर ये बात कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारी, मैं अपनी ज़बान की बात कर रही थी, हम भी सराकी हैं, मुल्तान में प्योर सराकी हैं, तो हम, हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि घरवाली अपनी बीवी को घरवाली या बेगम या मतलब मेरी सवाणी, ज़्यादा बोला जाता है कि मेरी सवाणी, सवाणी मेरी, यानी कि अपनी बीवी को अपनी सवाणी कहते हैं, और अपनी घर वाली ज़्यादा, जो वो बार बार अपनी वीडियो में कहता है मेरी रन, मेरी रन। ये बात सुनकर मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है, न जाने उसकी कैसी बोली है। मान लेती हूँ उनकी ज़बान में कहते होंगे रन, पर वीडियो में तो रन ना बोले ना, तो रन, रंडी तो हम लोग बहुत बुरा हम लोग समझते हैं, रंडी, रन रंडी, तो रंडी में तो बहुत बुरा अल्फाज आ जाता है। यहाँ जो बहुत बुरी औरत होती है उसको बोलते हैं रंडी, तो बुरी औरत को वो कहते हैं। अल्लाह पाक सभी को हिदायत दे, अल्लाह पाक किसी को भी ऐसे मकाम, अल्लाह पाक, मैं तो बस यही दुआ करती हूँ, वो भी मेरी प्यारी बहनें हैं, वो भी अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, जो जो भी बुराई में धंसी हुई हैं। तो इसी तरह से जो सीमा का आजकल टॉपिक है, वो भी बहुत ही मुसलमान एक होकर, मैं तो उनके लिए भी दुआ करती हूँ जो गैर मुस्लिम हैं, जो इंडिया में रहते हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और वो मुसलमान हो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी आगे शुरू होनी है, हमारे अल्लाह के रूबरू आगे पेश होना है। जो वो मंजिल मिली हुई है उनको, जो मज़हब में हैं, तो इस दुनिया में बस उनको जो कुछ मिलेगा मिलेगा, आखिरत में क्या मिलेगा। बस मैं तो उनके लिए, मैं जिनकी फिल्में देखा करती थी, हीरो हीरोइन जो भी होते हैं, मैं यही कहती हूँ ऐ अल्लाह ये मुसलमान हो जाएं, अल्लाह पाक इनके आगे वाली मंजिल भी आसान हो जाए। ये तो अपने आप को खुद ही जला देते हैं, कितनी बहुत बड़ा जुल्म है अपने आप पर करते हैं। मैं तो उनके लिए भी दुआ करती हूँ, वो एक मुसलमान होकर तो उनके मज़हब में चली गई है, उनके मज़हब मज़हब खुशी खुशी में करती है, तो देखकर बहुत दिल हैरतज़दा होता है। अपनी आखिरत भी ख़राब कर रही है, अपने पाकिस्तान मुसलमानों का नाम भी ख़राब कर रही है। तो इस तरह से बस मेरी यही दुआ है और मेरी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम बहन भाई जो इंडिया वाले हैं, वो भी इंसान हैं, उनको बेचारों को ये नहीं पता आगे वाली मंजिल असल हकीकत होती है, अल्लाह पाक उनको आगे वाली मंजिल समझने की और तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह पाक उनको, अल्लाह पाक हमारे जो जितने भी मुसलमान भाई हैं उनको भी हिदायत दे। तो क्या है वक्त, क्या है, मैंने एक डेढ़ साल से ये चैनल बनाया है, कुछ भी इससे मैं हासिल नहीं हुआ, क्या मेरा वक्त नहीं गुजर रहा, जैसे कैसे गुजर रहा है, जैसे रोती हूँ तो वो भी गुजर जाता है, जैसे गुजारा करती हूँ, जैसे भी अल्लाह मेरा गुजारा करवा रहा है, अल्लाह पाक किसी हाल में भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। तो बस अल्लाह को से ही मांगनी चाहिए, और जो कुछ जिनके पास आ भी गया है तो उनको भी अल्लाह का शुक्र अदा करके दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, दोस्ती का भी ख्याल और भरम रखना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं क्या कह सकती हूँ जो सपोर्ट मांगते हैं, सपोर्ट फिर लेकर फिर कुछ शहनशाह बन जाते हैं, कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को भी हिदायत दे। तो बस यही बात करनी थी मेरे प्यारे बहन भाइयों से, जो मेरी सोच होती है, मैं अपनी सोच से, अपने हर इंसान अपनी सोच से चलता है। बस बहन भाइयों को अल्लाह पाक मेरे सदा सलामत रखे, खुश रखे, बाद रखे। इसी बात के साथ वीडियो एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।